सब्जेक्टों की तैयारी करना है तो सभी सब्जेक्टों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो आपके सबके डिमांड के ऊपर है, और आज की वीडियो है इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, और इन बचे हुए दिनों में हम सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। इसीलिए मेरे भाई, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो ये महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100 नंबर की तैयारी के हिसाब से हैं। तो अगर आप इंग्लिश में भी अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और नहीं चाहते कि भाई हमें इंग्लिश में पासिंग मार्क्स चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, अच्छे नंबर के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको अगर बता दें इंग्लिश के पेपर की, तो मेरे भाई इंग्लिश का पेपर आपका 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन में आता है। तो इन 4 सेक्शन में मेरे प्यारे भाई, सेक्शन ए में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, सेक्शन ए में हमें क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई, आपको अनसीन पैसेज पढ़ना है। सेक्शन ए में आपको कुछ अनसीन पैसेज आएंगे, और उन अनसीन पैसेज में क्वेश्चन दिए होंगे, उनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको नोट मेकिंग वाली जो समरी आएगी, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। तो सेक्शन ए में आपको बस दो ही चीज मिलेंगी, एक अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग। तो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, अनसीन पैसेज जो आपको रहेगी, जो भी पैसेज रहेगी उसको पढ़ना है ना, और उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। और नोट मेकिंग में आपको नोट मेकिंग, नोट बनाना आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो हमारे जो चैनल है, इस चैनल की डिस्क्रिप्शन जो सॉरी प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश की वीडियो डली है, वहां से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो सेक्शन ए में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर हम सेक्शन बी की प्यारे भाई बात करें, तो सेक्शन बी में आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, तो सेक्शन बी में आपको तैयार करना है मेरे भाई पोस्टर। क्या तैयार करना है, पोस्टर। और पोस्टर कौन से तैयार करना है, से नो टू ड्रग्स, से वाटर, से नो टू प्लास्टिक। ये तीन जो है ना पोस्टर आपको तैयार कर लेने हैं। इन तीनों में से अगर पोस्टर आएगा तो यही आएगा। फिर आपको नोटिस तैयार करना है, तो नोटिस में कौन सा तैयार करना है, साइंस एग्जीबिशन का और लॉस्ट एंड फाउंड का, है ना। इसके अलावा एनएसएस कैंप का आपको नोटिस तैयार करना है, ब्लड डोनेशन कैंप का। तो ये 3-4 नोटिस आपको तैयार कर लेना है। अगर नोटिस पढ़ना भी है तो इनमें से पढ़ना है, इनसे अलग आपको नोटिस भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको सेक्शन जो बी है, इसमें आपको एप्लीकेशन और लेटर भी तैयार करना पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन और लेटर कौन से करें, तो मेरे भाई एप्लीकेशन TC है ना, CC, SLC, मेरे भाई एप्लीकेशन हुआ, लेटर हुआ, रिपोर्ट हुई, सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिए हैं, हमारे चैनल पर ये तैयारी करा दी गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट निकालना है उस पर आपको जाकर समझ लेना है। तो सब्जेक्ट चेंज, ये 4 आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है, ठीक है। अगर आप 100 में से 100 आउट ऑफ नंबर लाना चाहते हो तो ये उसकी तैयारी है मेरे भाई। लेटर में कंप्लेनिंग पोस्टमैन ऑफ योर एरिया है ना, तो ये आपको पोस्टमैन की आपको एप्लीकेशन तैयार करना है। फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये आपको तैयार करना है। 2 लेटर तैयार करना है, दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ से तैयारी इतनी करना। अगर आप कम भी पढ़ रहे हो तो मेरे भाई इन्हीं क्वेश्चन में से आप तैयारी करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपको बेटा रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट में ऑनलाइन एजुकेशन की आपको रिपोर्ट तैयार करना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंस, वो तैयार करना है। और NSS कैंप, ये आपको रिपोर्ट तैयार करनी है प्यारे भाई, ठीक है। फिर आपको सेक्शन सी में पहुंच जाना है, सेक्शन बी खत्म, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में मेरे भाई आपको पता है ग्रामर आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड द से आ सकते हैं, सम एनी से आ सकते हैं, ऑफ फॉर से आ सकते हैं, एंड बट और मच मैनी यूज, इनसे आपके ऑब्जेक्ट मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना। इफ अनलेस से, है ना, टेंस, वॉइस, सो दैट, नो सूनर देन, है ना, नाइदर नॉर, ये ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इनका यूज कैसे किया जाता है, क्या होता है, ये सारी मैं कह रहा हूँ ना, चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश की वीडियो डाली है, वहां से आप चेक कर सकते हो, समझ सकते हो इनको, ठीक है। इनका आपको तैयार करना है। फिर आपको सेक्शन डी में अगर बात करें, तो मेरे भाई सेक्शन डी में आपको क्या आएगा, है टेक्स्ट बुक से कुछ एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट मींस क्या होता है, आपका जो लेसन रहेगा उस लेसन में से कुछ
लाइनें आपके सामने दी दी जाएंगी एक पैसेज के रूप में, है ना। तो जैसे कोई आपका एक लेसन है, मान के चलो कोई सा भी लेसन है, जैसे पहला चैप्टर है ना, उसका ही लेसन है, तो उस लेसन में से कुछ पार्ट आपका उसका रख दिया जाएगा एक पैसेज के रूप में, उसमें उसके उसमें से फिर आपको क्या करेंगे, उस पैसेज के नीचे है ना आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके आंसर जो है वो आपको जो एक पार्ट दिया है, एक भाग दिया है लेसन का, उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करते रहना। तो टेक्स्ट बुक में से एक पार्ट आएगा, ऐसा ही एक पोएम में से, जैसे आपका टेक्स्ट बुक में से आएगा, ऐसा ही एक पोएम में से कुछ आपके जो पोएम वाली पोएम होंगे उसमें से कुछ पोएम की कुछ लाइनें रख दी जाएंगी, फिर आपको नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, है ना। उन क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन के जो आंसर हैं इन पोएम में से या फिर जो टेक्स्ट बुक का जो पार्ट दिया है उसमें से आपको ढूंढकर लिखना होगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक का ऐसे ही है ना, तो एक बिस्टन आएगा, ये भी जो है ना इसके जैसा ही रहेगा, जैसे ये ऊपर के दो आपके टेक्स्ट बुक का एक पार्ट दिया है ना, कोई लेसन का पार्ट, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस सेक्शन डी में, और सेक्शन डी में प्यारे भाई फिर आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, है ना। क्या तैयार करने हैं प्यारे भाई, क्वेश्चन आंसर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, व्हाट वाज द फ्रेंड्स है ना एक्सपेक्टेड टू प्रीपेड विद द फॉर स्कूल दैट डे, ठीक है। वर्ड मेक द सिटी ऑफ है ना और फ्रोजुअल फेमस, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये चार क्वेश्चन आपको दिख गए, इनका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इन क्वेश्चन में से ही आपको आएंगे। फिर आपको ये पांचवें क्वेश्चन से आपको सातवें क्वेश्चन तक का देख लो आप, इसका स्क्रीन शॉट आप रख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आएंगे तो भाई आपको इनको बहुत अच्छे से, जब ये आपको पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से आप इनको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट भामा, भामा के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। व्हाट इज द टाइगर किंग, व्हाई डज द गेट दैट नेम, ये सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैड पुट अप ऑन द है ना विल्टन बोर्ड, ठीक है। हु वाज, अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सड्डाओ, डॉक्टर सड्डाओ के नाम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर सड्डाओ का कभी कभी आपसे स्केच भी पूछ लेता है। तो जो डॉक्टर सड्डाओ है इसका स्केच भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर सड्डाओ का स्केच क्या है, और प्यारे भाई आपको क्या करना है, डॉक्टर सड्डाओ से संबंधित कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, मतलब एक जीवन परिचय के रूप में इनका पता होना चाहिए। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर इतना कर लेते हो मेरे भाई तो मैं कह रहा हूँ आपके है ना अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको डॉक्टर सड्डाओ के बारे में बताया, ठीक है। वर्ड वाइज द प्ले सॉरी प्ले ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द है ना रोड साइड स्टैंड, तो ये दसवां क्वेश्चन है, ग्यारहवा बारहवा तेरहवा, ये दस से तेरह तक आपको ये तैयार करना है, स्क्रीन शॉट लो तैयार करो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तेरहवें चौदहवें क्वेश्चन से आप सत्रहवें क्वेश्चन तक ये तैयार करो, है ना। ये चौदहवा क्वेश्चन, पंद्रहवा, सोलहवा, सत्रहवा, ये क्वेश्चन आप तैयार करो, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और मेरे प्यारे भाई कंप्लीट करते जाओ, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। अठारहवा से आप कहाँ तक स्क्रीनशॉट लोगे, आप बीसवें क्वेश्चन तक आप स्क्रीनशॉट लोगे मेरे भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करने है, क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपको मात्र तैयार करने हैं, इनसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन तैयार नहीं करने। फिर आप देखो 21 से 23 तक का स्क्रीनशॉट लो, है ना, ये आपको तैयार करो, ठीक है। फिर आपको देखो ये लास्ट, बस आपको 25 क्वेश्चन है आपको तैयार करने हैं, मात्र इतने क्वेश्चन आप तैयार कर ले तो इतना तो आप पढ़ ही पाओगे यार, पढ़ ही लोगे, और ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो इनसे बाहर मैं नहीं मानता कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं, आपका चार पार्ट में पेपर आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, कौन सी रिपोर्ट, कौन सा क्या तैयार करना है, ठीक है ना प्यारे भाई। हम आगे बढ़ते हैं, तो प्यारे भाई इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको अंत में बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई इतना आपने कर लिया तो बहुत 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 बेस्ट आपका पेपर जाने वाला, बहुत अच्छा जाने वाला, ठीक है। तो प्यारे भाई है ना, अगर कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।